Good morning all of you. I hope you all are fine and safe at your home. In maths, our chapter number 13 is going on. Today we will do sum number 4 of exercise 13B. Sum number 4 is, look at the following figures, which of the following sides appear to be parallel. Write them using the symbols. हमें क्या given है रजे? Fourth sum में हमें कुछ figures given है, हमें बताना है कि इन figures में कौन सी side जो है parallel है और हमें sign भी use करना है. First of all, parallel line होती है क्या है रजे? Parallel lines are those lines which do not meet at any point, or we can say which do not intersect at any point. Means parallel lines वो lines होती हैं, टू स्ट्रेट लाइन्स होती हैं रजे, वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं होती. जैसे देखिए, मैंने ये टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की. ये देखिए रजे, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं हो रही है. देखिए, अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करती हूँ एंड एक ये ड्रॉ करती हूँ, ये पैरलर नहीं है, ये पैरलर है. ये पैरलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन तो स्ट्रेट है बट ये मीट हो रही है एक पॉइंट पर. और हमारी पैरलर लाइन्स कौन सी होती हैं? Lines which do not intersect at any point, or we can say which do not meet at any point, जो किसी भी point पर मिलती नहीं है, वो होती हैं हमारी parallel lines. तो fourth sum में हमें यही बताना है कौन सी जो lines है वो parallel है. तो आपने ये समझिए book में ही करना है. देखिए, AB and BC तो parallel नहीं हो रही क्योंकि ये meet हो रही है. तो parallel line कौन सी हो जाएंगी? AD parallel हो जाएगी BC के. तो हम इसे राइट कैसे करेंगे? देखिए, ए डी पैरलर का साइन होता है ऐसे, टू स्ट्रेट लाइन. ए डी किसके पैरलर है? बी सी के. क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट में पी एस क्यू आर, ये हमारे को फिगर गिवन है. इसमें हमें पैरलर लाइंस बतानी है और सिंबल यूज़ करना है. तो सिंबल मैंने आपको बताया कौन सा सिंबल यूज़ करना है. देखिए रजे, पी एस किसके पैरलर हो जाएगी? क्यू आर के. तो हम राइट करेंगे दैट पी एस पैरलर टू क्यू आर. नेक्स्ट देखिए, ये भी तो पैरलर है ना हमारी. क्यू आर किसके पैरलर हो जाएगी? एस आर के. तो हम राइट करेंगे पी क्यू पैरलर टू एस आर. क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, इस फिगर में देखिए, एस वी पैरलर हो जाएगी टी यू के. एस वी पैरलर टू टी यू. क्लियर? ये भी पैरलर हो जाएंगी ना, एस टी एंड यू वी. तो एस टी पैरलर टू यू वी, आपने ऐसे शो करना है. नेक्स्ट देखिए रजे, ये फिगर ध्यान से देखिए. इसमें आपको कौन सी पैरलर लाइंस नजर आ रही है? टू स्ट्रेट लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. देखिए, ये लाइन भी डिफर है, ये भी लाइन डिफर है, ये कहीं ना कहीं आकर ये मीट हो सकती हैं, बट ये जो लाइन्स है ना, ये मीट नहीं हो रही रजे, बिल्कुल पैरलर जा रही है. तो सिर्फ ए डी एंड बी सी पैरलर होंगी. ए डी पैरलर टू बी सी, सिर्फ यही टू लाइंस पैरलर होंगी. ये लाइंस पैरलर नहीं होंगी क्योंकि ये रजे स्लैंट में जा रही है, ये कहीं ना कहीं आकर बी सी को टच करेगी, मीट होगी. क्लियर? तो ये पैरलर नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए रजे, सम नंबर 5, एल एम एन ओ इज ए पैरेललोग्राम. हमें ये पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है. नाउ फिलिंग इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ फिलअप गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग इसे क्या कर देना है? फिल कर देना है. देखिए हम कैसे करेंगे इसे. हमें ये फिगर गिवन है रजे बुक में, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने इसके आंसर्स करने हैं. तो फर्स्ट देखिए, एंगल एम, एंगल जो एम है वो किसके इक्वल होगा रजे? ये एंगल एम अपोजिट इक्वल होते हैं ना, तो एंगल एम किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल क्या है इसका? एंगल ओ. तो हम राइट करेंगे एंगल ओ. एंगल एम एंड एंगल ओ क्या है रजे? इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होती है ना. देखिए रजे, एम एल ये लाइन किसके इक्वल हो जाएगी? ये किसकी? क्यू एन, सॉरी ओ है नहीं, ओ एंड एन. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एम एन है, ये क्या किसके हो जाएगी? L और O, L O. क्लियर? नेक्स्ट एंगल L, देखिए हमारा एंगल M जो था एंगल O के इक्वल था. अगर एंगल L है वो किसके इक्वल होगा रजे? अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं इसमें और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो जैसे हमने अपोजिट साइड्स राइट कर दी कि एम एल ओ एन के इक्वल है, एम एन
एल ओ के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल एल किसके इक्वल हो जाएगा राजे, एंगल एन। क्लियर। इसके टू डायगनल्स भी बताने हैं, मैंने डायगनल्स बताए थे, कौन से होते हैं डायगनल्स, एल एन, फर्स्ट डायगनल हो जाएगा इसका एल एन, एंड सेकेंड डायगनल क्या हो जाएगा, एम ओ। क्लियर। सिक्सम देखिए रे जी, इसमें कोई फिगर ड्रॉ नहीं है, हमें जस्ट बताना है जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, हमने रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम इन सब के बारे में स्टडी किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पुट हैं, उसे हमें फिल करना है। फर्स्ट देखिए क्या बोलता है, अ रोम्बस हैज ऑल इट्स डैश इक्वल। यहाँ हमने रोम्बस के बारे में स्टडी किया था, रोम्बस हमें क्या बोलता था, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम क्वेश्चन में क्या पुट कर रहा है, ये रोम्बस हैज ऑल इट्स डैश इक्वल, उसकी क्या होती हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ राइट करेंगे रजे साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर, उसके अपोजिट एंगल रोम्बस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, हमने यहाँ पढ़ा था कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर। तो अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेपेजियम हैविंग टू साइड इक्वल इज, अगर ट्रेपेजियम की टू साइड इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रेपेजियम होता है, वो होता है हमारा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखिए, अ पैरेललोग्राम हूज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। कहता है एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री का है, तो रजे ऑल साइड किसकी इक्वल बताई थी मैंने आपको, किसकी बताई थी, स्क्वेयर में क्या होता था, ऑल साइड इक्वल होते थे और 90 डिग्री का एंगल होता था, तो यहाँ क्या आएगा रजे, स्क्वेयर, वो पैरेललोग्राम क्या था हमारा, स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का ईच एंगल किसके इक्वल होता था हमारा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता था ना रजी, तो हम यहाँ राइट करेंगे दैट इज 90 डिग्री। सेवन सम में देखिए रजी क्या बोल रहा है वो, ड्रा अ स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर 5.9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। हमें एक स्क्वायर ड्रा करना है जिसकी साइड कितनी है 5.9, ईच साइड मीन्स हर साइड उसकी कितनी है 5.9 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें क्या कर देना है, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए रजी हम कैसे करेंगे, फर्स्टली वी विल ड्रॉ स्क्वेयर, हम पहले क्या करेंगे, स्क्वेयर ड्रॉ करेंगे, आपने स्केल की मेजरमेंट से लेना है 5.9। क्लियर है जी, ऐसे हम क्या करेंगे, एक स्क्वेयर ड्रॉ करेंगे 5.9 5.9 5.9 एंड 5.9। आप इसे अपनी मर्जी से नेम भी दे सकते हो, मैंने दिया है इसे पी क्यू आर एंड एस, ये स्क्वेयर है ना जी, तो इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ मेंशन भी करेंगे दैट 90 डिग्री। क्लियर। अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है रजे, एरिया एंड पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हमें फॉर्मूलाज लर्न है, फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है रजे, साइड मल्टीप्लाई साइड, फर्स्ट साइड कितनी है हमारी 5.9 सेंटीमीटर, इसे भी 5.9 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे रजे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिए रजे मल्टीप्लाई। अब देखिए रजे, आपको जैसे पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत होती है तो आप रजे क्या करो, आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई करो। क्लियर। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे रजे, देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। क्लियर। 1 1 डिजिट है दोनों नंबर्स में, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, पॉइंट्स के बाद 2 आएंगे, तो जब मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 3481। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हुए, 2। तो आप पीछे से मींस जो आपका आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप क्या करोगे, इसे पीछे से 2 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दोगे, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने टिपिकल लगती है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसे। क्लियर। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आप डेसिमल लगाओगे, कैसे लगाओगे, आप ऐसे काउंट करोगे कि फर्स्ट नंबर में भी क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है,
तो टोटल कितने डिजिट हुए, टू। तो आपने पीछे से टू डिजिट छोड़कर टू डिजिट आपने लेफ्ट करने हैं, देन आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। आंसर आ जाएगा 34.81 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है राजी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है राजी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 × 5.9, इसे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 23.6 सेंटीमीटर। 23.6 सेंटीमीटर हमें यही फाइंड आउट करना था, क्लियर। एट सम देखिए रजी, ड्रा अ रोम्बस हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसकी वन साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और वन एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। देखिए हम कैसे करेंगे इसे, फर्स्टली हम इसे ड्रॉ करेंगे, आपने स्केल की हेल्प से इसे ड्रॉ करना है, क्लियर। 5 सेंटीमीटर की आपने लाइंस लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे देखिए, 5, ये सभी कितने की हो जाएंगी रजे, 5 सेंटीमीटर्स की हो जाएंगी, क्लियर। अब उसके बोल रहा है कि वन एंगल इज 60 डिग्री, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। रोम्बस में देखिए हमने स्टडी किया था, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 5 अगर हमें 5 सेंटीमीटर साइड गिवन है, तो ऑल साइड 5 सेंटीमीटर की होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वन एंगल 60 डिग्री का हमें गिवन है, वन एंगल हमें 60 डिग्री का गिवन है। तो देखिए अगर ये 60 डिग्री का है, तो इसके ये वाला अपोजिट हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा राजे, 60 डिग्री का, और ये कितने के हो जाएंगे, 120 एंड 120, क्लियर। और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे रजे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ इसमें ड्रॉ करने के लिए बोला, तो सिर्फ हम इसमें रजे ड्रॉ ही करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन, देन यू कैन फाइंड एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्लियर। तभी हमारी वही साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल ही आएंगी। बट हमें सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, ड्रॉ ही किया। आपने भी सिर्फ ड्रॉ ही करना है, ड्रॉ करके हम बताएंगे दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला, क्लियर। नेक्स्ट बोलता है ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD। इसमें भी आपने सिर्फ ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD, जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमने अपोजिट साइड मीन्स, अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर की ले रही हूँ, तो मेरी ये वाली साइड्स कितनी हो जाएंगी रजे, 7 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर एंड ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, देन ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसका एंगल ए हमें गिवन है 75 डिग्री। हमें सिर्फ ऐसे ड्रॉ ही करना है, क्लियर रजे। इसे हम नेम दे देंगे दैट ABCD। ये था हमारा 9th सम, क्लियर। नाउ लास्ट सम हमें इसमें क्या बोल रहा है रजे, लास्ट सम देखिए, 10th सम में हमें ये क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एंगल्स इक्वल टू 75, 75 एंड 110, फाइंड द अननोन एंगल। बिल्कुल सेम वही हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है क्वाड्रिलेटरल वाली, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को 360 डिग्री के इक्वल पुट करेंगे, एंगल 4 हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट एंगल, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड एंड एंगल फोर, 4 एंगल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट एंगल हमें 75 डिग्री का गिवन है, सेकेंड भी हमारे पास 75 डिग्री है, थर्ड हमारे पास 110 मीन्स 110 है, फोर हमें फाइंड आउट करना है। तो वही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इसे ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ जी, एंगल 1 हमारे पास 75 डिग्री का गिवन है, एंगल 2 भी हमारे पास 75 डिग्री का गिवन है, एंगल 3 हमारे पास है 110 डिग्री का, और एंगल 4 एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा राजे, 150 प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल 4 एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कीजिए 150 प्लस 110 कितना हो जाएगा राजे, ये 260 प्लस एंगल 4 एज इट इज इक्वल टू 360। एंगल 4 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 4 हम एज इट इज राइट करेंगे, 360 में से
260 प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 260 डिग्री। तो देखिए अब अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। क्लियर, यही हमें फाइंड आउट करना था, लास्ट सम में यही पूछ रहा था। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एंगल्स इक्वल टू, हमें 3 एंगल्स गिवन थे, 1 हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, एंगल की प्रॉपर्टी लगाई क्वाड्रिलेटरल की, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। तो हमने एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे ही हमने ये फाइंड आउट कर दिया। 8th एंड 9th सम आपने ड्रॉ करना है सिर्फ, ओके। 7, 8, 9, 10 ये 4 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। If you have any doubt, any query regarding this exercise, you can ask to me.